आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। आई सॉरी आई गॉट म्यूटेड बाय मिस्टेक। कैन यू हियर मी नाउ? हाउ आर यू आवाज? यस सर जी सर आ रही है। मैं कह रहा था कि फॉर इंटरनल फॉर process in a closed system from stage 1 to stage 2, net heat plus net work done, sum of net heat and net work is equal to change in internal energy. Mathematically, हम differential form में इसे लिखते हैं, dQ plus dW is equal to dU. D for small change और small letters जो हैं small Q, small W, small U, ये show करते हैं कि mass of the system is 1 kg of the working substance. So in equation ko hum kehte hain non flow energy equation, NFEE, shortcut mein NFEE likhte hain. So they are valid for any process, reversible or irreversible. Reversible process sirf ideal process hota hai, aur all actual processes are irreversible. Real processes are always irreversible process. And for convenience, we do calculations for ideal process. Then we apply some multiplication factor or efficiency and know about the real process. Now, let us see another example, 1.4. How we can solve engineering problems, actual, real-time, real-life engineering problems can be solved with the help of these simple equations. Sadira, meeting. Everybody should mute themselves. We can solve actual engineering problems like this. आप आईसी इंजन, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, उसमें आईसी इंजन होता है। अब उसकी कैलकुलेशन भी इस लॉ के जरिए हम फर्स्ट लॉ के जरिए कर सकते हैं, जो सिंपल है। क्यू, अब हमें यहाँ डी हटा दिया, क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू टू माइनस यू वन। तो प्रोसेस उसमें आपको पता है कि टू स्ट्रोक इंजन होते हैं, फोर स्ट्रोक होते हैं। तो एक स्ट्रोक लाजमन उसमें कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, जिसमें सिलेंडर के अंदर की गैसेस को कंप्रेस किया जाता है। तो इन अ कंप्रेशन स्ट्रोक ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन, द हीट रिजेक्टेड टू द कूलिंग वाटर इज 45 किलो जूल्स पर केजी। इंजन को हमेशा ठंडा किया जाता है, क्योंकि कंबशन से और कंप्रेशन प्रोसेस से बड़ी हीट जनरेट होती है, फ्रिक्शन की और फ्यूल कंबशन की। तो उससे जो हीट जनरेट होती है, इंजन बहुत गर्म होता है, उसको ठंडा करना जरूरी है, वरना इंजन सीज हो जाता है, मेल्ट हो सकता है। तो 45 किलो जूल्स पर के जी हीट रिजेक्ट होती है, और वर्क इनपुट जो है उसमें कंप्रेशन स्ट्रोक जो है ना वर्क करता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में वर्क जो है 90 किलो जूल्स पर के जी, वर्क डन ऑन द गैस, गैस कंप्रेस होती है, क्योंकि जब क्रैंकशाफ्ट घूमती है, पहिया घूम रहा है, तो उसमें एक स्ट्रोक कंप्रेशन के भी होता है, जिससे गैस कंप्रेस होती है और वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, यानी गैस के ऊपर काम होता है। कैलकुलेट द चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ वर्किंग फ्लूइड, स्टेटिंग वेदर इट इज़ अ गेन और लॉस। तो हमने बताया था कि एनर्जी क्यू और डब्ल्यू को हम प्लस माइनस साइन के साथ
अगर है तो उसके साथ लिखते हैं, अगर माइनस साइन है तो उसका मतलब हीट रिजेक्ट हो रही है, और अगर प्लस साइन के साथ है तो उसका मतलब हीट एड हो रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरनल एनर्जी जो है गेन हो रही है, नहीं इसी तरह यू टू माइनस यू वन, अगर यू टू इज ग्रेटर देन यू वन तो एनर्जी गेन हुई, यू टू माइनस यू वन प्लस हो जाएगा, अगर यू टू माइनस यू वन नेगेटिव है तो इसका मतलब यू वन इज ग्रेटर देन यू टू, यानी इनिशियल एनर्जी ज़्यादा थी अब कम है, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी कम हो गई, तो इसको हम कहते हैं एनर्जी लॉस एनर्जी गेन। सो इंटरनल एनर्जी लॉस इंटरनल एनर्जी गेन, ये चीज़ पूछी गई। तो दो चीज़ें दी गई हैं इस प्रॉब्लम में कि क्यू माइनस 45 किलो जूल्स पर के जी है, माइनस इसलिए कि वो रिजेक्ट हो रही, लफ्स रिजेक्ट का मतलब माइनस। उसके बाद इनपुट का मतलब होता है प्लस, इनपुट वर्क, तो इनपुट वर्क दिया हुआ डब्ल्यू इज टू प्लस 90 किलो जूल्स पर के जी। तो अभी हमने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाए क्लोज सिस्टम के लिए वो ये है क्यू प्लस डब्ल्यू इज टू यू टू माइनस यू वन, तो क्यू के जगह माइनस 45 लिख देंगे क्योंकि हीट रिजेक्ट हुई है 45 किलो जूल्स पर के जी, और 90 किलो जूल्स का वर्क इनपुट हुआ है पर के जी, तो इसको हम लेफ्ट साइड पे W की जगह लिखेंगे। तो हमें रिक्वायर्ड क्या है, यू टू माइनस यू वन, इंटरनल एनर्जी का क्या हुआ, तो वो फिर फार्मूले से 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45, द आंसर इज 45 किलो जूल्स पर के जी ऑफ इंटरनल एनर्जी हैज बीन एडेड टू दिस, ये प्लस है। तो गेन सर, सर ये वाली, सर ये जो बुक है सर, ये आप बता सकते हैं कौन सी है? हाँ, ईस्टर पेन में कौन की है, मैं जरा मुझे फुर्सत नहीं मिली, मैं आपको आज इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। ओके थैंक यू सर। ईमेल के जरिए आपको अभी तक जितने जो लेक्चर आपको दिए ये भी इनकी पीडीएफ कॉपी और बुक की भी पीडीएफ कॉपी आपको मिल जाए, मैंने जितने भी ओके सर इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, लिंक आपको दिया वो आपने देखा है? नहीं सर हमें नहीं मिला। नहीं ईमेल नहीं देखते आप? मेरा सर देख लिया था। और आपको अगर नहीं हुई तो हो जाएगी बाद में, अभी ऐड नहीं की मैंने, तो ये कर सकते हैं आपको इस ग्रुप में सेंड कर दिया करें। मैं इस ग्रुप में देखिए व्हाट्सएप में यूज नहीं करता, दो दो जगहों पे करना पड़ता है, व्हाट्सएप जो है मोबाइल पे करना पड़ता है, ईमेल जो है मैं लैपटॉप पे करता हूँ, तो मैं पहले लैपटॉप पे करूँ फिर मोबाइल पे जाऊँ फिर इसको शेयर करूँ, ये डबल काम में क्यों करूँ? तो मैं सिर्फ ईमेल करूँगा, आप मर्जी व्हाट्सएप खोलें या मोबाइल खोलें, मोबाइल पे मुझसे काम नहीं होता, तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, ना मैं पढ़ सकता हूँ ना मेरी उंगलियाँ काम करती हैं, तो ये लिखता ए हूँ तो टाइप हो जाता डी, तो इसलिए जो उसमें मैं नहीं कर सकता, तो इसलिए लैपटॉप पे मैं काम करता हूँ, आप भी लैपटॉप पे काम करें बड़ी स्क्रीन पे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है जी? ठीक सर, ओके सर। तो मैं ग्रुप, यस सर, ग्रुप में डाल दूंगा। ओके सर। फिलहाल आपके साथ ये कर सकते हैं कि जो नौ जिनको ईमेल मिल गई है वो आपको आपको फॉरवर्ड कर सर, पूरे क्लास का उन सबको ग्रुप बनाए, एक ग्रुप बनाए और उसको फेसबुक में डाल दें ग्रुप के तौर पे, और उसको एक ही ग्रुप में सब ग्रुप को ईमेल कर दें। अभी मैंने okay, अपना ग्रुप अपडेट करना है, अभी टाइम नहीं मेरे पास, जब अपडेट हो जाए तो सारी ईमेल जो आपने दिए हैं 24 दिए हैं, 24 के अलावा भी कुछ है तो बता दें, तो 24 ईमेल आपने दिए 28 में से, तो उनको मैं ओके सर ओके तो ये है यू टू माइनस यू वन 45 किलो जूल्स पर, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक और प्रॉब्लम है, देखिए हमारे पढ़ने का असल मकसद प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, पढ़ना भी ज़रूरी है, थ्योरी के बगैर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, वो रट्टा लगाने की चीज़ नहीं है, इंजीनियरिंग का कोई भी सब्जेक्ट रट्टा नहीं लगाया जाता, इसको समझा जा सकता, जो चीज़ आपने समझ ली है वो मैथमेटिक्स है आपको आ गया है, अब आपको जब भी प्रॉब्लम मिलेगा तो आप ये क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू यू टू माइनस यू वन, लेकिन आपको मतलब मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ क्या होता है और क्यू प्लस कब होता है, क्यू माइनस कब होता है, डब्ल्यू प्लस कब होता है, डब्ल्यू माइनस कब होता है, और इंटरनल एनर्जी यू की क्या डेफिनेशन है, प्लस यू में छोटे यू में बड़े यू में क्या फर्क, ये चीज़ें थ्योरी पढ़े बगैर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, और ये प्रॉब्लम कहाँ, ये फार्मूला, ये इक्वेशन कहाँ लग सकती कहाँ नहीं लग सकती,
तो ये आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। ये आप फिलहाल सिर्फ क्रॉस सिस्टम पे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन के जरिए। उसके बाद ओपन सिस्टम आएगा तो आप मजीद प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। नाउ इन द सिलेंडर ऑफ एन एयर मोटर, एयर मोटर किसको कहते हैं? आपने तो इलेक्ट्रिक मोटर देखी है ना, उसमें बिजली से कनेक्ट करते हैं तो वो चलती है, ड्रिल भी कर सकती है, मोटर भी चला, पंप को वाटर पंप भी चलाती है। तो मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर वो है जो बिजली से चलती है, उसमें इलेक्ट्रिक वाइंडिंग होती है। एयर मोटर में इलेक्ट्रिक वाइंडिंग नहीं होती, एयर मोटर में टर्बाइन होती है और उसमें कंप्रेस्ड एयर का कनेक्शन दिया जाता है, एक कंप्रेसर, इस तरह आप पंक्चर बनाने वाले की दुकान पर कंप्रेसर लगा होता है और वो ट्यूब के साथ कनेक्ट करता है पाइप और आपकी गाड़ी में एयर भर जाती है। तो ये एयर अगर हम एक मोटर को दें जिसके अंदर टर्बाइन है और वो पाइप उसके साथ जोड़ दें तो वो टर्बाइन चलना शुरू हो जाएगी, समझ गया? बिजली के बगैर कंप्रेस्ड एयर से भी मोटर चलाई जा सकती है, उसको हम एयर मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर मोटर। तो एयर मोटर के सिलेंडर जो है ना वो काम करती है, कैसे काम करती है? कंप्रेस्ड एयर एक्सपेंड होती है, उसमें टर्बाइन होती है या सिलेंडर होता है, सिलेंडर और पिस्टन भी हो सकता है, एक्चुअली रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन भी होता है। तो रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन टू एंड बैक फ्लो करता है, एक तरफ से एयर आती है दूसरी तरफ से फिर वापस चली जाती है एयर तरफ। तो सिलेंडर कंप्रेस्ड एयर कंज्यूम हो जाती है और वो एक्सपेंड हो जाती है। जब हाई कंप्रेस्ड एयर, हाई प्रेशर वाली एयर फैलती है टर्बाइन में या सिलेंडर में तो फिर क्या होता है, उससे वो रोटेट करती है, पहिया रोटेट करता है और उससे आप पहिए के बजाय आप सिलेंडर रोटेट करते हैं और उससे जो है अपना काम करते हैं या कोई ड्रिल करते हैं या कटिंग करते हैं या कोई और काम करते हैं या हैमरिंग करते हैं। तो ये एयर मोटर में से एयर एक तरफ से आती है दूसरी तरफ निकल जाती है, एक्सपेंशन प्रोसेस होता है। जब हाईली कंप्रेस्ड एयर एक्सपेंड होती है तो ठंडी हो जाती है, तो वो हीट खारिज करती है, उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है तो वो हीट रिजेक्ट हो जाती है, यानी वो कूलिंग हो जाती है। कभी बहुत लेट कोई साहब आए भारत में बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा। अच्छा, अब 420 किलो जूल्स पर केजी हमें दिया हुआ है कि इंटरनल एनर्जी शुरू में ये थी एयर की जो हमने दी, तो एयर की इंटरनल एनर्जी, एयर इज द वर्किंग सब्सटेंस, पावर प्लांट में स्टीम वाज वर्किंग सब्सटेंस, आईसी इंजन में पेट्रोल जब जलता है उससे जो गैस है दैट इज वर्किंग सब्सटेंस, और यहाँ एयर मोटर में एयर इज द कंप्रेस्ड एयर इज द वर्किंग सब्सटेंस। तो वर्किंग सब्सटेंस को सिस्टम भी कहते हैं। तो सिस्टम में इंटरनल एनर्जी पहले U1 जो है 420 थी और एक्सपेंशन के बाद एयर मोटर में काम करने के बाद उसकी एनर्जी कम होकर 200 हो गई। तो U2 माइनस U1 हो गया 200 माइनस U2 माइनस, हम देखेंगे इक्वेशन में U2 पहले आता है, ये ख्याल रखना है आपको, U1 माइनस U2 नहीं करना, U2 माइनस U1 करना है। फाइनल स्टेट 2 है, इनिशियल स्टेट 1 है, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट को हम कहते हैं चेंज। इन थर्मोडायनेमिक्स में फाइनल प्रॉपर्टी माइनस इनिशियल प्रॉपर्टी, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, U2 माइनस U1, 200 माइनस 400 तो नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में जवाब आएगा क्योंकि 420 इज ग्रेटर देन 420, तो नेगेटिव में जवाब आएगा, इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी कम हो गई, नेगेटिव हो गई। सो क्यू माइनस 100, क्यू नहीं मालूम, W मालूम है, W दिया हुआ प्रॉब्लम में 100 किलो जूल्स का पर केजी काम कर रही है मोटर, तो इसमें इस फॉर्मूले में रखेंगे तो यू विल गेट क्यू इज इक्वल टू माइनस 120 किलो जूल्स पर केजी, दिस इज हीट रिजेक्टेड। आप देख रहे हैं यहाँ फार्मूला मैथमेटिक्स कहती है क्यू इज इक्वल टू माइनस 120, लेकिन अल्फाज में वो लिखता है हीट रिजेक्टेड बाय द एयर इज इक्वल टू प्लस 120 किलो जूल्स पर। अब इसको लफ्ज रिजेक्ट आपने यूज कर दिया तो फिर ये प्लस नहीं लगा सकते, रिजेक्ट का मतलब नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव तो फिर गड़बड़ होगी ना, तो अंग्रेजी या तो अंग्रेजी रिजेक्टेड लिखें या सिर्फ मैथमेटिक्स में लिख देंगे तो भाई हीट इज इक्वल टू माइनस 120, लेकिन माइनस 120 आम आदमी के समझ में आएगा भाई ये माइनस क्या होता है, एनर्जी तो माइनस नहीं होती, एनर्जी कभी भी माइनस नहीं होती, तो एनर्जी इटसेल्फ इज पॉजिटिव, सिर्फ प्लस माइनस का मतलब ये है, प्लस का मतलब है कि एनर्जी इंक्रीज हो गई, माइनस का मतलब है एनर्जी डिक्रीज हो गई। अब इसमें इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई एयर की, इसका मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव है तो एनर्जी माइनस 120 किलो जूल पर केजी एनर्जी डिक्रीज हुई है, लेकिन ये बजाय खुद एक पॉजिटिव चीज है। जब आपने रिजेक्टेड प्लस माइनस का मतलब हमें पता चले कि हीट रिजेक्ट हुई या हीट ऐड हुई, इज इट क्लियर? ठीक है। अब इसी तरह वर्क का एक फॉर्मूला है,
कि अब हम वर्क जो है ना कि आइडियल प्रोसेस यानी कि एक्चुअल प्रोसेस में वर्क कैलकुलेट हो नहीं सकता जब तक हमें आइडियल प्रोसेस का फार्मूला ना मिले. तो आइडियल आइडियल का फार्मूला एक इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम. जब आप कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी सिस्टम पे गैस पे तो उसका वॉल्यूम कम होता है. तो इसका जो प्रोडक्ट है पी वी उसको कहते हैं वर्क. पी प्रेशर अप्लाई करने से थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्रीज हुआ डी वी. तो ये डिफरेंशियल फॉर्मूले इसको इंटीग्रेट करें स्टेट वन से लेकर स्टेट टू तक तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा. अगर ये स्लोली डी वी स्लोली छोटा छोटा वॉल्यूम करके आहिस्ते आहिस्ते करके कंप्रेस किया तो पी डी वी बना और इसको इंटीग्रेट किया इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक. उसको इनिशियल स्टेट को वन लिखेंगे फाइनल को टू लिखेंगे. इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वन टू टू. तो अब इसको w इज इक्वल टू माइनस एम मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल पी डी वी. तो इंटीग्रल पी डी वी फ्रॉम स्टेट वन टू टू ये वो प्रोसेस है कंप्रेशन प्रोसेस जिसमें हम इसको कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली. तो वर्क डन इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ प्रोसेस वन टू टू इज इक्वल टू माइनस एम पी डी वी. तो रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस वी हैव द फॉलोइंग इक्वेशन. अभी हमने नेगेटिव क्यों लिखा है तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस बुक का ये कन्वेंशन है इसको एक्चुअली पॉजिटिव होना चाहिए था. वर्क डन बाय द सिस्टम ये एक्सपेंशन प्रोसेस. ये क्या है एक्सपेंशन प्रोसेस. एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क डन बाय द सिस्टम होता है. तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव इन अदर बुक्स लेकिन इस बुक में वो कहते हैं कि हम इसको माइनस लिखेंगे लिहाजा माइनस लिख मकसद से लिए उसको. ये बुक इस बुक में जब माइनस है तो इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम कंप्रेस्ड एयर ने काम किया तो या स्टीम ने काम किया या आईसी इंजन की गैस ने काम किया तो माइनस होगा माइनस. लेकिन अगर हम कंप्रेस करें और गैस को कंप्रेस करें कंप्रेसर के ऊपर काम हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये प्लस हो जाएगा. ये माइनस एम की बजाय प्लस एम पी डी वी. तो एक्सपेंशन प्रोसेस माइनस इंटीग्रल पी डी वी और एक्सपेंशन प्रोसेस और कंप्रेशन प्रोसेस में माइनस होगा प्लस होगा इस बुक के लिहाज से. दूसरी बुक में इसका उलट है. एक्सपेंशन प्रोसेस पॉजिटिव होता है कंप्रेशन प्रोसेस नेगेटिव साइन होता है. तो वर्क का आपने अब तक क्यू का यू का फार्मूला देख लिया और इसका वर्क का फार्मूला देख लिया. तो दिस इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एम पी. तो हेंस एनी रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस फॉर यूनिट मास. तो वो जो पीछे फर्स्ट लॉ वाली इक्वेशन थी नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन एन एफ ई डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू डी डब्ल्यू. तो डी डब्ल्यू की जगह हम ये लिख सकते हैं इंटीग्रल सॉरी पी डी वी. डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी. तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी ये आपके सामने लिखा है. तो डी डब्ल्यू की जगह हम यहाँ पी डी वी लिख दिया. ये वही इक्वेशन है जो पहले हमने डिराइव की थी डी यू प्लस डी डब्ल्यू. डी डब्ल्यू की जगह हमने पी डी वी लिख दी. तो लेकिन हम पहले भी कह चुके हैं डी यू का मतलब यू टू माइनस यू वन. तो अब Q इज इक्वल टू यानी इसको इंटीग्रेट कर लेंगे पी डी वी को इंटीग्रेट कर लेंगे वन टू टू. ये जो है ना इंटीग्रेट हो गया यू टू माइनस यू वन का मतलब इंटीग्रेट हो गया. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस. रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस इसके साथ ही अब हमारी दूसरा पार्ट शुरू होता है ओपन सिस्टम. अब तक आपने क्लोज सिस्टम पढ़ा था जिसमें मास इन नहीं हो रहा एनर्जी इन एनर्जी आउट हो रही थी उसमें हीट ऐड हो रही थी वर्क ऐड हो रहा था हीट रिमूव हो रही थी वर्क आउटपुट हो रहा था. तो इसको हम क्लोज सिस्टम था मास इन नहीं हो रहा था. अब ओपन सिस्टम को हम कंट्रोल वॉल्यूम भी कहते हैं. ये आपको ये याद रखें क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम की डेफिनेशन को क्लियर कर लें. यही सारी इंजीनियरिंग पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस पर डिपेंड करती है आइंदा आपको काम आएगा. इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अभी से. तो ओपन सिस्टम और इसको कंट्रोल वॉल्यूम भी कहते हैं. ओपन सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम इज दैट सिस्टम व्हेन मास कैन इंटर एंड लीव द सिस्टम. ये मैं कई बार कह चुका हूँ आप दोबारा याद करें. एक और डेफिनेशन है टोटल एनर्जी ऑफ ओपन सिस्टम क्या होगा. इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी. ये टोटल एनर्जी कहलाती है. कोई भी फ्लोइंग सिस्टम है तो उसमें इंटरनल एनर्जी यू है उसमें पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम के ई लिखते हैं पी ई लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी और के ई काइनेटिक एनर्जी. तो स्टेडी फ्लो किसको कहते हैं
steady flow भी मैं बता चुका हूँ with the passage of time there is no change in mass. मैंने आपको बताया कि energy in is equal to energy out plus delta E cess for closed system. तो delta E cess zero होगा अगर steady flow होगा, यानी mass in is equal to mass out होगा, तो वो क्या आएगा? Delta E cess, any change in the energy of the system will be zero. The rate of mass flow is constant through a controlled volume, or it's called a steady flow. Control surface किसको कहते हैं? हमने बताया था कि system और surrounding को separate करती है boundary. तो boundary की जो surface है, surface, उसको हम कहते हैं control surface. तो boundary of the control volume is called control surface. Now flow work किसको कहते हैं? अब देखिए एक चीज फ्लो कर रही है, पानी फ्लो कर रहा है, गैस फ्लो कर रही है, स्टीम फ्लो कर रही है, एयर फ्लो कर रही है, तो ये ओपन सिस्टम है, इन वो किसी चीज में इंटर हो रहा है फिर लीव कर रहा है, तो ये जो है ना ओपन सिस्टम है, और ओपन सिस्टम में फ्लो वर्क भी होता है, यानी जो चीज जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसका मतलब उस पर फ्लूइड अपने ऊपर खुद काम करता है, एक तरफ पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है तो एक तरफ प्रेशर ज्यादा होगा दूसरी तरफ कम होगा तो तभी फ्लो होगा ना, तो जब प्रेशर डिफरेंस है तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स एग्जर्ट होती है फ्लूइड के ऊपर और उससे फ्लूइड मूव करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट पाइप के अंदर, तो इसीलिए किसी भी पाइप में फ्लो नहीं होगा अगर उसमें प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, तो प्रेशर डिफरेंस एक तो एक हम अप्लाई करते हैं कि एक तरफ कंप्रेसर है वो कंप्रेस करके पाइप आपने लगा दिया है उस तरफ कंप्रेसर वाले एंड पे प्रेशर ज्यादा है, दूसरी तरफ दूसरे एंड में अगर वो एक किलोमीटर लंबा पाइपलाइन है तो वो दूसरी जगह प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, रास्ते में फ्रिक्शन की वजह से प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, तो दूसरे एंड पे अगर वो खुला है तो 1 atmospheric प्रेशर होगा, अगर खुला नहीं भी है फ्रिक्शन की वजह से प्रेशर लॉस हो गया तो दूसरे एंड पे प्रेशर कम होगा, तो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है और इसकी वजह से फ्लूइड अपने ऊपर खुद काम करता है और वो काम इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो इसको हम कहते हैं फ्लो वर्क. फ्लो वर्क की डेफिनेशन ये है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुश वन यूनिट मास फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड एंटरिंग ओपन सिस्टम इज कॉल्ड फ्लो वर्क एट इनलेट ऑफ द सिस्टम. तो वो वन यूनिट मास का मतलब 1 kg, तो इन SI सिस्टम इट इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाइड बाई V1. तो एक हैंड अगर 1 है, यहाँ 1 और 2 का मतलब 1 and 1 is the 1 प्लेस 1.1 और 2 का मतलब प्लेस 2 दूसरी जगह. तो सिमिलरली एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुश 1 unit मास फ्लो रेट लीविंग द ओपन सिस्टम इज कॉल्ड फ्लो वर्क एट एग्जिट. एग्जिट पे हम 0.2 कर देंगे तो इनलेट और एग्जिट में जो स्टेट है वो आपके सामने P1 V1 इनलेट पे फ्लो वर्क होगा, P2 V2 आउटलेट पे फ्लो वर्क होगा. अब स्पेसिफिक एंथैल्पी हम डिफाइन करेंगे. एंथैल्पी हम पहले स्मॉल h लिखते हैं इसको. दिस इज सम ऑफ 3 प्रॉपर्टीज. ये लिखा हुआ h, उसकी निशानी यानी सिंबल h है. दिस ये उसकी डेफिनेशन है. ये जो फार्मूला है ये डेफिनेशन एंथैल्पी की. जब भी आपसे कोई एंथैल्पी की डेफिनेशन पूछे या आपके जहन में कोई सवाल पैदा होगा एंथैल्पी कैसे होगी या सवाल किया जाएगा एंथैल्पी कैलकुलेट करो, you should know U and PV. U ये PV actually flow work, internal energy plus flow work. ये दो energies का sum है, वो enthalpy कहलाते हैं. ये दो internal energy और flow work, ये दोनों energy हैं. इन दोनों energy का जो sum है, addition है, उसको हम enthalpy कहते हैं. तो enthalpy is the sum of internal energy plus flow work. English में यूँ कहेंगे. Mathematically it is U plus PV. तो उसके बाद जो है टाइम तो हो गया, अभी तक मुझे वार्निंग नहीं आई जोन की तरफ से, तो हम थोड़ा सा जल्दी जब तक वार्निंग ना आ जाए हम जारी करते हैं. ठीक है क्या सब बहुत है बंद कर दें आपको जो सीली वार्निंग आ गई है टाइम खत्म हो गया तो यहाँ तक क्या सर आज के लिए बोला काफी सर आज के लिए.